मिस्र की स्वेज नहर में एमबी एवर गिवेन नामक जहाज 6 दिन तक फंसा था। उसे अब कब्जे में लेने की तैयारी की जा रही है। ये चीन से नीदरलैंड्स के पोर्ट रोटेडम जा रहा था, तभी रास्ते में तेज हवा के कारण इस जहाज की दिशा बदल गई और ये फंस गया था। जहाज के फंसने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब इसे कब्जे में लेने की तैयारी की जा रही है। इस खबर की पुष्टि बर्नहार्ड शोलेट शिप मैनेजमेंट के प्रवक्ता ने की है। बीएसएम एमवी एवर गिवेन जहाज की टेक्निकल मैनेजर है। बीएसएम के प्रवक्ता ने बताया कि जहाज के मालिक ने बीएसएम को जानकारी दी है कि स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने जहाज को कब्जे में लेने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इससे पहले लीबिया की एक शिपिंग एजेंसी ने भी ट्वीट किया था कि जहाज और उसकी क्रू को मिस्र ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लीबिया की शिपिंग एजेंसी मेडवेव ने ट्वीट कर दावा किया था कि एमवी एवर गिवेन जहाज को मिस्र ने कोर्ट के आदेश के बाद कब्जे में ले लिया है। कोर्ट ने जहाज के मालिक से $900 मिलियन का भुगतान करने के लिए कहा है। वहीं बीएसएम के सीईओ इयान बेविज ने स्वेज कैनाल अथॉरिटी की ओर से जहाज को कब्जे में लेने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि स्वेज कैनाल अथॉरिटी का ये फैसला बेहद ही निराशाजनक है। शुरू से ही बीएसएम और क्रू मेंबर जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमने सारा डेटा भी उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि हम बस चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए ताकि जहाज और क्रू मेंबर्स स्वेज नहर से निकल सके। फिलहाल एमवी एवर गिवेन जहाज मिस्र की ग्रेट ब्रिटेन लेक में है। ये तब तक वहाँ रहेगा जब तक कि स्वेज कैनाल अथॉरिटी और जहाज के मालिक के बीच सुलह नहीं हो जाती। बीएसएम के प्रवक्ता ने बताया कि जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं और लगातार सभी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बीएसएम भी लगातार क्रू और उनके परिवार से संपर्क में है। क्रू मेंबर्स में 25 भारतीय भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडीटीवी भारत।